जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, प्रभु के चमत्कारों की सच्ची घटनाओं से बनी हुई सच्ची कहानी श्रृंखला में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय भाई बहनों, जिस प्रकार प्रभु ने मीराबाई की विष से रक्षा की थी, विष को अमृत बना दिया, द्रौपदी की रक्षा की थी, भक्त प्रहलाद की रक्षा की थी, अर्थात प्रभु अपने सच्चे भक्तों के द्वारा की हुई भक्ति की लाज बचाने के लिए तत्पर रहते हैं। वह श्रद्धा होनी चाहिए, भाव होना चाहिए। ऐसी ही यह सत्य घटना है भक्त होती जी की। संत होती कठियावाड़ के नेक नाम गांव के मुसलमान थे। बचपन से ही मोरार साहेब की भजन मंडली में जाते और वहां भजन गाया करते थे। साधु संतों की सेवा करने की उनकी टेव थी। यह चाल ढाल उनके पिता को अच्छी नहीं लगी और वे बड़े दुखी हुए। उनके कुल की रिवाज के अनुसार लड़का तलवार, बंदूक, तमंचा, छुरी और भाला न ले और तंबूरा तथा मजीरा लेकर गाने बजाने बैठ जाए, यह ठीक नहीं। बाप बेटे को हमेशा दुख देता रहा, पर सोना आग में तपकर और अधिक चमक उठता है। वैसे ही होती के ऊपर जितना दुख बढ़ने लगा, उतना ही अधिक वे भजन करने लगे। उनको राम के नाम की सच्ची लगन लगी थी और उनके सामने हिंदू मुसलमान धर्म का भेद मिट गया था। एक दिन मोरार साहेब की भजन मंडली हरिजनों के निवास स्थान में भजन करने गई। होती को उसके बाप सिकंदर ने वहां जाने से रोका, फिर भी होती गया। बड़ी रात को भजन समाप्त हुआ, मंडली बिखर गई। रास्ते जाते लोग होती की प्रशंसा कर रहे थे। वाह, कैसा होती का प्रेम है, कैसी प्रेम भरी मस्ती से होती ने भजन गाया। यह प्रशंसा सुनकर होती के पिता के दिल पर बड़ी चोट लगी और इसकी अपेक्षा उसने अपना मर जाना अच्छा समझा। दूसरे दिन जब होती भजन मंडली में जाने लगा, तब पिता ने अफीम घोलकर पुत्र से कहा, बेटा अफीम तैयार है, इसे या तो तू पी ले या नहीं तो फिर मैं पी लूं, पर यह बदनामी मुसलमान की जात में अब बर्दाश्त नहीं होती। भक्त पुत्र ने नम्रता से जवाब दिया, पिताजी आप क्यों पियेंगे, यह तो मुझे पीना चाहिए। यह कहकर अपने हाथ में प्याला ले लिया और अश्रु भरी आंखों से भगवान से प्रार्थना करने लगा, प्यारे प्रभु मैं अफीम से मरूं तो इसमें मुझे जरा भी गम नहीं, पर इसमें तुम्हारी और तुम्हारी भक्ति की लाज जाएगी। ऐसे ही समय में तुमने मीरा के विष के प्याले को अमृत बना दिया था, द्रौपदी की लाज जाते समय तुमने चीर बढ़ा दिया था। प्रभु मेरी भक्ति यदि सच्ची हो तो मेरी लाज रखना। यों कहकर भक्त होती अफीम पी गए और कोठरी बंद करके कंबल ओढ़कर सो गए। बाप ने बाहर से ताला लगा दिया। सुनते हैं कि उसी रात को जब हरिजन बस्ती में भजन शुरू हुआ और वहां से लौटे हुए श्रोताओं के मुंह से सिकंदर ने होती के भजन की बात प्रशंसा सुनी, तब चकित होकर वह हरिजन बस्ती में गया। वहां देखता क्या है कि होती प्रेम मग्न हो भजन कर रहे हैं। वहां से लौटकर उसने कोठरी में होती को सोए देखा। इससे उसके अचरज का ठिकाना न रहा, उसे बड़ा पश्चाताप हुआ और वह पुत्र के पैरों में जा गिरा। फिर पिता ने उसे हिंदुओं में भजन गाने की छूट दे दी। होती महान भक्त हुए और दास होती नाम से अनेकों भजन बनाए। ऐसी है प्रभु भक्तों की महिमा, धन्य है प्रभु के ऐसे सच्चे भक्त। प्यारे भाई बहनों, प्रभु भक्तों की ऐसी चमत्कारिक सच्ची कहानियां, सत्य घटनाएं हमारे हृदय को एक नया मर्म देती हैं, प्रभु से जुड़ने का एक नया आयाम देती हैं। इसे अपने दिमाग में अच्छी तरह से बिठा लीजिए। प्रभु की भक्ति करने से शक्ति मिलती ही है और साथ ही हमें इंद्रिय निग्रह करने का भी हमारे पास मौका होता है, समय होता है, अर्थात इंद्रियों को हम कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे प्रभु भक्ति, जो सिर्फ प्रभु भक्ति से ही संभव है, प्रभु के स्मरण से ही संभव है। अगले किसी वीडियो में फिर से आऊँगा किसी नई सत्य घटना के साथ। यदि यह कहानी, सच्ची कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करें। जय श्री कृष्ण। एक बार फिर से सच्चे हृदय से बोलिए,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।